पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर्वप्रयास सीता रसोई ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों के क्रम में आज खुशालपुर रोड स्थित एक बैंकट हॉल में मातृ शक्ति वंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से चयनित महिलाओं को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका अनीता गुप्ता द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पना गुप्ता रही। कार्यक्रम के दौरान कुल 51 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन सुधांशु कौशिक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यों की संक्षिप्त आख्या पुरनीत अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत की गयी। आज सीता रसोई के माध्यम से हमारी सीता रसोई से जुड़ी हुई व समाज से जुड़ी और भी महिलाएं जो लगातार निरंतर समाज के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं, उनको आज सीता रसोई के द्वारा सम्मानित किया गया है। मान सिंह अध्यक्ष सीता रसोई ट्रस्ट, आज का जो कार्यक्रम था वो मातृ शक्ति को समर्पित था। यहाँ पर जो मुरादाबाद महानगर की समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाएं अग्रिम भूमिका निभा रही हैं, उन 51 महिलाओं को ट्रस्ट के द्वारा आज सम्मानित किया गया, जिसमें से कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकल्पों से आज यहां पर हमने 51 महिलाओं को एकत्रित करके और उनका अभिनंदन किया गया। क्या संदेश? संदेश ये दिया गया कि जो हमारी सीता रसोई है, जैसा कि आम नाम से विदित है कि माता सीता की कृपा हमारी सीता रसोई पर है, और आज 9 वर्षों से देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर ही निर्भर है। महिलाएं मातृ शक्ति जो देखा जाए कि हमारी पूरी इमारत की जो नींव है वो नींव के पत्थर की भूमिका में है, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन जो सारा काम इन्हीं के बदौलत चल रहा है। तो सभी हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें बढ़ चढ़ करके भूमिका माताओं की रहती है, तो आज उसी को देख करके, उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये मातृ शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। मैं सर्वप्रयास सीता रसोई ट्रस्ट का महासचिव हूँ। आज सर्वप्रयास सीता रसोई ट्रस्ट के माध्यम से हमारी मातृ शक्ति का वंदन किया गया है, अभिनंदन किया गया है। जैसा कि मेरे भाई उदयवान जी ने बताया कि सदैव से मातृ शक्ति पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य को करती हैं और उनके बिना कोई भी कार्य असंभव है, उसी उद्देश्य को लेकर कि उनका भी सम्मान होना चाहिए, हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।